दोस्तों, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसमें भले आप अपने दोस्त से दूर हों, पर दोस्ती की ये डोर आप दोनों को आपस में जोड़ कर रखती है। तो चलिए सुनते हैं मेरी जुबानी दो दोस्तों की कहानी। आज भी याद है कि कैसे 11वीं के बीच में सूरज ने मेरे स्कूल में एडमिशन लिया था। जब अकाउंट्स के टीचर उसका इंट्रो करवा रहे थे तो कितना डरा हुआ सहमा हुआ सा था वो। मैं फर्स्ट बेंच में था और कोई मेरे साथ बैठना ही नहीं चाहता था, तो सूरज उस दिन मेरे बगल में बैठ गया। इंग्लिश में कमज़ोर था वो, हिंदी मीडियम स्कूल से CBSE में एडमिशन लिया था उसने, तो मेहनत तो करनी ही थी उसे। अब सर ने बोल दिया था कि कोई भी दिक्कत हो तो निलेश से पूछ लेना। अब एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मुझे ही अपने सारे नोट्स इसे देने होंगे, तो मैं कैसे पढ़ूंगा। मेरे अंदर भी हर बार फर्स्ट आने का जोश था, डरता था कि कहीं कोई मेरे से आगे ना निकल जाए। पर उस वक्त पता नहीं कैसे मैंने सूरज को अपने हर नोट्स दे दिए। वो लंच ब्रेक में ही सब कॉपी कर लेता था। मुझे उसकी ये डेडिकेशन देखकर अच्छा लगा। वो शुद्ध हिंदी बोलता था तो क्लास में बाकी लोग उसे हिंदी मीडियम बोलकर उसका मजाक बनाते थे। वो क्लास में बिल्कुल शांत बैठा रहता था। ठीक एक हफ्ते बाद उसने मुझसे कहा, निलेश जी, क्या आप मेरे बेस्ट फ्रेंड बनेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, पर तुम ये सबको आप क्यों बोलते हो? हम तो शुरू से ही ऐसे बोलते हैं। देखो सूरज, हम दोनों तो एक ही क्लास में हैं, तो तुम मुझे तुम कहकर बुलाओ, उसमें अपनापन लगता है। अच्छा ठीक है, अब से हम आपको तुम कहकर बुलाएंगे। अच्छा बाबा ठीक है। ऐसा था सूरज, एकदम अलग, दिल का साफ। अब तो मैं भी चाहता था कि वो पढ़ाई में मेरे बराबर रहे। लंच बॉक्स में उसके पराठे मैं ही खाता था। गजब के पराठे बनाती थी उसकी मम्मी। जब टीचर नहीं आते थे तो वो अपने बारे में बताता था कि कैसे उसके पापा ने इस स्कूल में उसका एडमिशन करवाया, अपने घर की बातें और भी बहुत कुछ। 12वीं तक तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान गए थे। अब संडे को पढ़ाई के बहाने एक दूसरे के घर मिलना जुलना भी होता था। डर भी लगता था कि अगर हम दोनों को एक ही कॉलेज नहीं मिला तो जिंदगी अधूरी लगने लगेगी। किस्मत अच्छी थी हमारी, BCOM में एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया हमने। वहाँ तो हमारी दोस्ती के ही चर्चे थे। अच्छा लगता था जब सूरज कभी एब्सेंट होता था और टीचर मुझसे पूछती थी उसके बारे। एक दूसरे का टिफिन खाना, होमवर्क इनकम्प्लीट होने पर बहाने बनाना, एक बीमार पड़े तो दूजे का भी बीमार पड़ जाना, रात को पढ़ना तो एक दूसरे को कॉल लगाना, बोरिंग क्लास में वॉशरूम का बहाना बनाकर भाग जाना, क्लास बंक करना, कैंटीन में समोसे खाना, पैसे मिलाकर पेप्सी खरीदना, असेंबली में एक दूसरे को तंग करना, ये सब आज भी याद आता है। अब वो बेंगलोर में है, मेरी शादी थी पिछले साल, आया था वो। हर संडे वीडियो कॉल पे बात करता है, कितना हंसाता है वो अपनी बातों से। जितनी भी बातें कर लो, हमारी बातें ख़त्म ही नहीं होती। वैसे भी हमें बात करने के लिए कोई टॉपिक की ज़रूरत ही नहीं है। काश वो दिन दोबारा से लौट आए। मैं उन पलों को एक बार फिर से जीना चाहता हूँ, फिर से पढ़ना चाहता हूँ, फिर से दोस्ती करना चाहता हूँ। ना कोई फिक्र हो, ना कोई डर, ऐसी ज़िंदगी एक बार फिर जीना चाहता हूँ। दोस्तों, ये तो एक छोटी सी कहानी थी।
ये सब हर बच्चे करते हैं। सभी के दोस्त बनते हैं, कुछ हमेशा साथ रहते हैं तो कुछ साथ छोड़ जाते हैं, पर दोस्ती के ये पल हमेशा याद आते हैं। उम्मीद है इस कहानी में आपने अपने दोस्त को याद किया होगा, जिसके साथ आप अपना लंच बॉक्स शेयर किया करते थे और आप जिससे अपनी सीक्रेट शेयर करते थे। अगर याद आई है उस दोस्त की तो इस स्टोरी उस तक शेयर करें और उससे ढेर सारी बातें करें। मिलेंगे अगले शुक्रवार को एक और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।